छत्तीसगढ़ से यहाँ हमेशा हर साल आते हैं और यहाँ से आके सुल्तानगंज से गंगा जल भर के पैदल कांवर यात्रा देवघर जल चढ़ाते हैं। अगर बोला गया है लगने के लिए तो हर जगह लगना चाहिए। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सब बाबा उल्लेखित रहेगा। नाम पे से हमको ये पता चलता है कि स्टार लगाए हैं जो किस समाज के आते हैं, हिंदू है मुस्लिम है। बोलबम के नारों के साथ ही सावन का महीना शुरू हो गया है और पूरे सावन के महीने में बाबा धाम की जो यात्रा है वो गूंजने लगती है, क्योंकि सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक की 100 किलोमीटर की यात्रा 3 दिनों में पूरे करके लगभग ये इन यात्राओं के बीच में सिर्फ और सिर्फ बोलबम के नारे गूंजने लगते हैं। कहाँ से आए बाबा? मसरक से आ रहे हैं। हर साल जाते हैं? हाँ जी, ये तीसरा साल। इस बार क्या उम्मीद है, क्या भगवान से क्या मांगना है? मांगना क्या है, वो तो शारदा है, अपना जो भाड़ा था वही पूरा कर रहे हैं। 5 साल जाना है तो पैदल यात्रा पूरी करते हैं। हाँ जी, अभी जा रही है पैदल। कितने सालों से जा रही है? यही साल पहली बार। तो पहली बार तो बड़ा कष्ट होगा, चल पाइएगा उठा दी? बाबा बुला ली है। बाबा बुला ली है। और आप? दो साल से। तब तो आप पार पड़े है ना, अनुभव होगा। क्या मांगा है भगवान से? क्या मांगा है? कुछ कष्ट होता है? कष्ट कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सब बाबा बोले बोलबम पार कर देते हैं, सब खींच लेता है दुख। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा जो होती है उसमें नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया है, यहाँ भी नेम प्लेट लगना चाहिए क्या? लगना ही चाहिए। क्यों? अगर बोला गया है लगने के लिए तो हर जगह लगना चाहिए, उससे पहचान पता चलेगा। जी ठीक है, आइए जानते हैं और कई कांवड़ियों से कि किस तरह से इस बार की जो यात्रा है वो अलग होने वाली है, क्योंकि नेम प्लेट के साथ उत्तर प्रदेश में जो फरमान जारी हुआ है उसका कितना असर है। हम लोग बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, बोला अधिवक्ता संघ छत्तीसगढ़ से यहाँ हमेशा हर साल आते हैं और यहाँ से आके सुल्तानगंज से गंगा जल भर के पैदल कांवर यात्रा देवघर जल चढ़ाते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण कहो इस उपदेश से लेकर हम लोग संकल्पित जल यात्रा करते हैं। कितने सालों से जा रहे हैं? हम लोग करीब 20 साल से जा रहे हैं। इस बार पहली बार यूपी में भी कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट की बात कही गई। हाँ, जो भी दुकानदार है नेम प्लेट लगाएंगे इस बार, कैसे? वो सही लगता है अपने, क्या है कि जो नेम प्लेट की बात कही है, जो भी इंस्टॉलमेंट लगाए हैं उसमें नाम और जैसे उसमें जो लाइसेंस लेते हैं तो लाइसेंस में भी ये बात भी उल्लेखित रहता है कि जो स्टार लगाएगा उसका नाम उल्लेखित रहेगा। नाम पे से हमको ये पता चलता है कि स्टार लगाए हैं जो किस समाज के आते हैं, हिंदू है मुस्लिम है या किस समाज के, स्पष्ट हमको इस चीज़ का पता हो जाता है। इस नाम से हर एक स्टार में उनका नाम और जाति लगाना जरूरी समझते हैं अपन। बिहार और झारखंड की सरकार को भी ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए कि जितने जितने भी हम वहाँ से सुल्तानगंज से जल भर कर हम लोग देवघर तक आते हैं तो जितने भी इंस्टॉलमेंट लगाए हैं उसमें नाम और जाति उल्लेखित होना चाहिए। ये ट्रायल के तौर पर वहाँ पर यूपी में चल रहा है और यूपी सरकार इसको लागू करने के लिए निर्धारित कर दिया गया है। बिहार झारखंड में भी होना चाहिए। मैं भरत मिश्रा छत्तीसगढ़ बिलासपुर अधिवक्ता, हम लोग सभी कोई हर वर्ष पूर्णिमा में बोलबम आते हैं और सभी की मनोरथ कामना हो, सभी शांतिपूर्ण रहे, सभी में एकता हो और भारत देश अखंड रहे, और इसीलिए हम लोग बोलबम में यात्रा करके जल चढ़ाने आते हैं शिव जी में, कि सबको सद्बुद्धि दे, सबको एकता दे, सबको भाईचारा बना के रखे। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हम अधिवक्तागढ़ प्रत्येक वर्ष बाबा धाम की यात्रा पे विगत लगभग 15-20 वर्षों से आ रहे हैं। विश्व शांति और भारत में विश्व के शांति फैलाव के रूप में हम प्रत्येक वर्ष यात्रा करते हैं। बस बोल बाम। तो देखा आपने कि साफ तौर पे तमाम कांवड़िया जो कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े हैं वो भगवान भोलेनाथ से अखंड भारत के साथ साथ संपूर्ण
विश्व के कल्याण की बात तो कह ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार और झारखंड सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो अपना जो भी सामान बेचते हों वो नेम प्लेट के साथ बेचें। पटना से कुमार गौतम की रिपोर्ट।